हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका विक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आपके साथ आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली तीन टाइप्स की होती है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। अपन वेक्टर क्वांटिटी को ही आगे बढ़ाते हैं, इसमें टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। बेसिकली वेक्टर होते हैं 10 टाइप्स के। क्या क्या है, उनका क्या क्या नाम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, एंड सेम डायरेक्शन, उसको बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। समान सदिश, समान सदिश का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे दो वेक्टर है, उनका परिमाण और दिशा, दोनों की दिशा भी एक दिशा के अंदर होनी चाहिए, और दोनों का परिमाण, जो ये परिमाण होता है, वो दोनों का सेम होना चाहिए, तब अपन उसको बोलेंगे समान सदिश। दूसरा है समांतर सदिश। समांतर सदिश के अंदर अपन कौन सी कंडीशन रखें जिसको अपन समांतर सदिश बोल सकते हैं। पहला है दे हैव सेम डायरेक्शन। समांतर सदिश के अंदर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन समान होगी, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, समान होगी, तब उनको अपन समांतर सदिश बोलेंगे। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है, वन वेक्टर इज स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल होगा। जैसे एक वेक्टर मैंने दिखा ए वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर समांतर सदिश कौन सा होगा, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, यानी कि 2a वेक्टर, ए वेक्टर है नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीपल है। पहला वेक्टर है वो क्या है 2a, तो इसको दूसरा नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर पहले वेक्टर का क्या है स्केलर। स्केलर का मतलब जो जिसकी दिशा नहीं हो, मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसका 2 है, मैग्नीट्यूड ही है, दिशा नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी 2, इसका मल्टीपल है। एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर में दोनों में रिलेशन आ गया ये, तो ये क्या हो गया समांतर सदिश हो गया। इसके बाद में प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इसके अंदर है बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट इसका उल्टा, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा के अंदर होते हैं दोनों की डायरेक्शन। जैसे एक ही डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर होगी, तो इन सदिशों को क्या बोला जाएगा प्रति समांतर सदिश। इसके अलावा दूसरा इसका पॉइंट है, वन वेक्टर इज ए स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। किसी एक वेक्टर को मैं नॉन जीरो नेगेटिव राशि से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी मेरे को। जैसे ए वेक्टर ये दे रखा है, तो यदि इस ए वेक्टर को -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया वेक्टर मिलेगा मुझे -2a, जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और मैग्नीट्यूड 2 times हो जाएगा पहले का। तो ये हो जाएगा अपना प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद में अगला है कोलिनियर वेक्टर, सरेखीय सदिश। सरेखीय सदिश के अंदर टू वेक्टर हैव कॉमन सपोर्ट, देन दीज वेक्टर आर कोलिनियर। दो सदिशों को सरेखीय सदिश कैसे कहा जाता है, कैसे बोला जाता है, यदि उनका जो सपोर्ट होता है वो क्या हो, कॉमन हो, तो उनको क्या बोला जाएगा सरेखीय सदिश। अगला है शून्य सदिश। शून्य सदिश कौन से वेक्टर को शून्य सदिश बोला जाएगा, ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। एक सदिश लिखा गया है ए वेक्टर, यदि इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालू मैं, तो यदि वो जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा, जीरो सदिश, शून्य सदिश कहलाएगा। अगला है इकाई सदिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला जाता है, हर एक के अंदर यूज आता है, और इसका इकाई सदिश का निकालने का एक तरीका है वो बताएंगे। और इकाई सदिश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इकाई सदिश एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, एक होता है। यूनिट वेक्टर किसको बोला जाएगा, ए वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर के ऊपर अपन एक टोपी लगा देते हैं, कैप लगाते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, इकाई सदिश बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश कौन से होते हैं और किसको बोला जाता है, ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड वन हो और वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो उनको अपन बोला जाएगा लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश आई के, जे के और के के होते हैं, आई के, जे के और के के, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
वन वन होता है, इक्वल होता है सबका, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अपना दाहिने हाथ का नियम है, दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड के अंदर जो ऊपर की दो उंगलियां हैं, फोर्थ फिंगर और मिडल फिंगर, और ये अपना थंब है, इसको यदि अपन आई जे के तीनों मान लेते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगी आई जे और के की तरह, ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको आई मानते हैं, इसको जे मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिस वेक्टर के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एक वेक्टर इधर लिखा मैंने, एक वेक्टर ये लिखा, इसके अंदर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे अपन एक डेफिनेशन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स। फोर्स क्या होता है, जब अपन एक स्टार्ट वाले पॉइंट पे लगाते हैं, किसी पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। या अपन मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं वो कौन सा होगा, अपना इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश कौन सा होता है, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, वो क्या होगा, पोलर वेक्टर होगा। उसके आगे है एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश किसको बोलते हैं, अक्षीय सदिश है, आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे वो रोटेट करता है। जैसे कि पार्टिकल है, इस एक्सिस पे ये अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षीय सदिश कहलाएगा। जैसे टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब इसके एग्जाम्पल है अक्षीय सदिश के। उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे ये एक प्लेन है, इसके अंदर एक वेक्टर ये लिखा हुआ ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों एक ही प्लेन के अंदर है, प्रेजेंट है, तो इनको बोला जाएगा समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर। इसके साथ ही मैं आगे का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं, यूनिट वेक्टर, जो पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कशन किया था। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, देखो दोस्तों मैंने बता दिया इकाई सदिश क्या होता है, ए वेक्टर हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ओनली वन हो वही इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको एक वेक्टर के ऊपर अपन केप लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे कि यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के के। इसका यदि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, तो इकाई सदिश का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब बात आती है यहाँ पे वेक्टर की जगह तो वेक्टर लिख देंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है एक्स आई केप प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, यानी जो आई केप जे केप और के केप के मल्टीपल है उनको अपन स्क्वायर करके एड कर देते हैं अंडररूट के अंदर, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का अंडर द रूट। तो देखो ये क्या आ गया, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो ये मिला के आ गया सिक्सटीन और नाइन ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेंटी नाइन। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ट्वेंटी नाइन। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वेक्टर की जगह वेक्टर लिखूंगा, टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के अपॉन, इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी नाइन।
तो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी की भी डायरेक्शन निकालनी है यदि उसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं उसकी डायरेक्शन में तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं उसके अंदर छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को, या दोनों को, या किसी को नहीं। तो ये ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे ओनली डायरेक्शन निकली जाती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, 1 होता है। तो देखो आगे मैं क्वेश्चन देता हूं, तो आप कमेंट के अंदर इसका जवाब देना, अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ए वेक्टर है 3i-j, इसका मेरे को यूनिट वेक्टर बताना क्या आएगा, इसका अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर आंसर अपन डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि इसका क्या आंसर आएगा। थैंक यू दोस्तों।